ये माइकोराजा बायो फर्टिलाइजर है। इसका जो काम है एक तो पैदावार बढ़ाना, ये पैदावार बढ़ाती है। जब हम इसको खाद डालते हैं तो खाद के साथ मिला के इसको डालना है। 4 किलो इसकी डोज है एक एकड़ की, कॉस्ट है 500 रुपया। कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है अगर देखा जाए तो। पैदावार मेन जो फोकस है वो पैदावार के लिए होता है। अगर ये कीड़े की रोकथाम हो जाए तो पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। बट क्या है कि जैसे हम खाद यूरिया DAP वगैरह और अदर पोषक तत्व वगैरह देते हैं तो ये पानी के द्वारा लीच करके ज़मीन में लेयर बना लेते हैं। कुछ क्या है कि बाष्पित होकर वातावरण में चले जाते हैं, तो ये क्या काम करती है, लेयर बना लेती है, उस लेयर को तोड़ती है। ये जब आप खाद में मिला के डाल देंगे जो लेयर बनी है उसको तोड़ देंगे। दूसरी क्या है, जड़ों को काफ़ी मात्रा में, जैसे आपने देखा जो रोए बनते हैं जो मिट्टी को जकड़ लेते हैं, सूक्ष्म जड़ें होती हैं जो सहायक जड़ें होती हैं, उनका काम यह है कि पौधे को जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़ लेती हैं। जब जकड़ लेती है पौधा ऑटोमेटिक खड़ा रहता है। जब कभी आप पौधा उखाड़ेंगे तो मिट्टी काफ़ी मात्रा में उखड़ के आती है, जो मेन जड़ होती है वो तो जाती है नीचे गहराई में, और जो जो जड़ होती है जो सहायक जड़ें होती हैं रोए टाइप बोलते हैं जिन्हें, तो ये क्या मिट्टी को जकड़ लेती हैं। जो जैसे आप पोषक तत्व देते हो वो क्या है एब्जॉर्ब करती रहती हैं। जैसे आपने कोई सपोज करो जैम वगैरह दिया तो जैम क्या काम करता है कि मिट्टी पानी के द्वारा घुला और नीचे चला गया। ये क्या काम करता है, ये पौधे को सारे जो पोषक तत्व पड़े होते हैं जैसे जिंक आयरन कॉपर मैंगनीज जस्ता तांबा ये सारे क्या पड़े रहते हैं, जैसे सल्फर वगैरह होती है, तो उसको क्या एकत्र करके देता है। दूसरा क्या पौधे में ताकत प्रदान करता है, चुस्ती फुर्ती प्रदान करता है। तीसरा ये है कि उसकी जो गन्ने का जो साइज है वो बढ़ता है और रस भी बढ़ता है। तो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब पौधे की लंबाई बढ़ेगी, जब पौधा सतर्क खड़ा रहेगा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक निकलेगा। आपने देखा मोस्टली गन्ना गिर जाता है, इससे गिरेगा नहीं, इससे सतर्क खड़ा रहेगा क्योंकि जड़ें गहराई तक गई हैं इसकी और मिट्टी को जकड़ लेती हैं। जिस पौधे की जड़ें कमज़ोर होंगी वो पौधा हमेशा गिर जाएगा, चाहे कोई भी सही। आपने देखा है कि गेहूं गिर गया, यूरिया खाली यूरिया डालने तो पौधा हो जाता है कमज़ोर और पौधा गिर जाता है। तो इससे ऐसा कुछ नहीं है, इसको डालने से क्या है कि पैदावार बढ़ती है, इसकी कॉस्ट कम है। जब आप लगाओगे ना एक एकड़ कुछ अदर पोषक अदर पदार्थ लगाना और एक एकड़ में ये लगाना, फिर आपको पता लग जाएगा कि इसके फायदे क्या है। इसके मतलब रुपया है 500 पर फायदे 5000 रुपये का फायदा है, ये मान लो जब आप लगाओगे तब इसके फायदा पता लगते हैं ऐसे। अब दूसरा क्या है कि जो सहायक जड़ है वो मोटी निकलेगी और गन्ना मोटा होगा, मोटा सिकता होगा इसका, तो इसके HPM गोल्ड के फायदे ही है। ठीक है जी, आपका भी धन्यवाद। ये जो इसकी जो मात्रा है एक एकड़ में HPM गोल्ड की कितनी लगानी है।